guys, how are you all? I hope so you are doing well. My name is Madhur and you are watching our YouTube channel Learn English with British. So guys, today I would like to welcome you our YouTube channel. मैं आपका एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूँ. मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आ ही रहे होंगे. So please guys, keep supporting me. Please share my YouTube channel and please subscribe this channel. Guys, आज मैं आपके सामने एक नया लेसन के साथ में आया हूँ और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लेटर्स जो साइलेंट रहते हैं. एग्जैक्टली आपने देखा होगा साइलेंट लेटर्स. ओके गाइस, सो देयर आर मेनी अल्फाबेट्स व्हिच आर साइलेंट. देयर आर मेनी लेटर्स व्हिच आर साइलेंट व्हिच वी डोंट प्रोनाउंस, जिसको हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते हैं. इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एच के बारे में. एग्जैक्टली दिस इज नॉट अ यच, यू हैव टू से एच. क्या बोलना है इंग्लिश में इसको? एच. वेरी गुड. द फर्स्ट वर्ड इज रिटन हियर, इट जस्ट ऑल अबाउट द घोस्ट. इसमें आप देख रहे होंगे द वर्ड एच इज द साइलेंट. आपको इसको इंग्लिश में बोलना है घोस्ट. क्या बोलना है इंग्लिश में आपको इसको? घोस्ट. वंस मोर, एक बार फिर से बोलिए घोस्ट. वेरी गुड. वी कैन ऑल्सो आस्क टू समबडी लाइक क्या आर यू घोस्ट, राइट? यू कैन ऑल्सो से ही इज घोस्ट. ओके फाइन. द नेक्स्ट वर्ड इज रिटन हियर ईमानदार, यू कैन से ऑनेस्ट. क्या बोलना है इसको? ऑनेस्ट. डू नॉट स्पीक ऑनेस्ट, यू हैव टू से ऑनेस्ट. क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको? ऑनेस्ट. लाइक बोलते हैं यार वो बहुत ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट मैन. क्या बोलोगे? ही इज ऑनेस्ट मैन. वेल पीपल, द थर्ड वर्ड इज रिटन हियर. जब आप टाइम को काउंट करते हैं तो आप देखते हैं 60 मिनट्स इक्वल 1 आवर. ठीक है, तो आपको बोलना होगा एक घंटा. तो इन इंग्लिश 1 आवर, दो घंटे हैं 2 आवर्स. इसको बोलेंगे आवर्स. कुछ लोग इसको हावर बोलते हैं, कुछ लोग इसको आवर बोलते हैं, बट राइट प्रोनंसिएशन है इसका आवर. एक घंटा है तो 1 आवर, दो घंटे हैं तो 2 आवर्स. इसको हावर नहीं बोलना है, ओवर भी नहीं बोलना है. लाइक आपने देखा होगा स्कूल, बचपन में हम सब लोग स्कूल जाते थे, आप भी जाते होंगे, हो सकता आप अभी भी जा रहे हो, राइट? सो इसको आप प्रोनंस करेंगे SCHHOL. इंग्लिश में आप बोल सकते हैं इसको स्कूल. क्या बोलना है इंग्लिश में? स्कूल. वंस नेक्स्ट आप देख सकते हैं लाइक इस पूरे बोर्ड को आप क्या बोलते हैं? ये कौन सा बोर्ड है? इट्स कॉल्ड ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड और व्हाइट बोर्ड. द लास्ट वर्ड इज राइट, यू कैन से हियर इट्स व्हाइट बोर्ड. क्या बोलोगे इंग्लिश में इसको? व्हाइट बोर्ड. तो वही से वर्ड लिखा है आपका व्हाइट. नेक्स्ट वी मूव हियर अबाउट द क्वेश्चन वर्ड्स. हम लोग अब बात करेंगे आप लोग से कुछ क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे भी हैं जिसमें एच साइलेंट रहता है. द फर्स्ट वन इज यू हियर वॉच. क्या बोलोगे इंग्लिश में? वॉच. फिर से बोलिए एक बार मेरे साथ में वॉच. सेकंड में आपको बताऊंगा यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन. क्या लिखो इंग्लिश में? व्हेन. मतलब कब भाई, कब मिलोगे तुम मुझसे? व्हेन विल यू मीट मी. ओके, थर्ड इज रिटन हियर वेयर. क्या बोलोगे इंग्लिश में? इसमें भी एच साइलेंट है. यू हैव टू से वेयर, डू नॉट से वेयर, डू नॉट से वेयर वेयर, यू हैव टू से वेयर. क्या बोलोगे इंग्लिश में? लाइक पीपल आस्क यू भाई कहाँ जा रहा है तू, वेयर आर यू गोइंग. क्या बोलोगे इंग्लिश में? वेयर आर यू गोइंग. नेक्स्ट में आपको बताऊंगा यहाँ पर व्हाई, क्यों, आखिर क्यों तुम जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग. क्या बोलोगे इंग्लिश में? व्हाई. एक बार फिर से बोलिए व्हाई. लास्ट आई एम टेलिंग यू हियर द वर्ड इज रिटन हियर, इट्स कॉल्ड एंकर. क्या बोलना है इसको? कुछ लोग इसको एंचर भी बोलते हैं, बट राइट प्रोनंसिएशन है एंकर. क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको? एंकर. दैट्स इट, इट जस्ट ऑल अबाउट द एच अल्फाबेट. सेकंड हम लोग लेटर लेंगे यहाँ पर बी. द फर्स्ट वर्ड इज रिटन हियर, आप इसको स्पेल करोगे बी ओ एम बी, बट आप इसको प्रोनाउंस करोगे बी ओ एम बॉम्ब. क्या बोलना है इंग्लिश में आपको? बॉम्ब. फिर से बोलिए इंग्लिश में बॉम्ब. डू नॉट स्पीक बॉम्ब, यू हैव टू से बॉम्ब. सेकेंड वर्ड लाइक टू कॉम योर हेयर, बाल खींचने के लिए यूज करते हैं सी ओ एम. लिखोगे सी ओ एम बी, बट बोलोगे सी ओ एम इंग्लिश में कॉम. क्या बोलना है इंग्लिश में आपको? कॉम. नेक्स्ट में बताऊंगा यहाँ पर माउंटेन में आप चढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं क्लाइंबिंग. इंग्लिश में आप वही वर्ड आप देख रहे हैं, इसमें बी साइलेंट रहेगा. यू हैव टू से क्लाइंब. क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डू नॉट स्पीक क्लाइंब, यू हैव टू से क्लाइंब. क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्लाइंब. सो पीपल देयर आर मेनी लेटर्स विच आर साइलेंट इन अ डिफरेंट डिफरेंट वर्ड. सो आई हैव जस्ट लिमिटेड टाइम, सो आई कलेक्टेड दिस वर्ड फॉर यू पीपल. जस्ट वॉच टिल द एंड एंड आई विल टेल यू समथिंग न्यू. मैं आपको कुछ और भी नया बताऊंगा इसके अलावा, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सेकेंड वर्ड इज रिटन हियर द वर्ड, इट्स कॉल्ड लाइक जब आपके घर में वाटर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है, पानी की टंकी में या पाइप या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम, पाइप में चोक हो जाता है, तो वहाँ आप किसको बुलाते हैं? लाइक
पानी के काम करने वाले को बोलते हैं, लिखते हैं PLUMBER, बट बोलते हैं इसको प्लमर। क्या बोलना है इंग्लिश में आपको? प्लमर। एक बार मेरे साथ में बोलेंगे, इट्स कॉल्ड प्लमर। फिर से बोलिए एक बार, या ऑफ कोर्स प्लमर। ओके गाइस, लाइक दैट कैन से ही इज प्लमर। क्या बोलोगे इंग्लिश में? ही इज प्लमर। नेक्स्ट लेट्स मूव हियर, द वर्ड इज रिटन हियर, किसी पर शक, डाउट। इंग्लिश में आप देख रहे होंगे इसमें बी साइलेंट है, यस ऑफ कोर्स ही साइलेंट रहता है। तो नेक्स्ट लेटर इज के, इसको बोलना है के। द फर्स्ट वर्ड इज रिटन हियर नॉक, लाइक दिस नॉक नॉक। हे व्यूअर्स, हैव यू सब्सक्राइब माय चैनल? ओके, थैंक यू सो मच इफ यू हैव डन इट। नेक्स्ट वर्ड इज रिटन हियर नाइफ। ओके, व्हेन यू जस्ट कट द वेजिटेबल और एनीथिंग, देन यू यूज नाइफ। आप इसको नाइफ बोलोगे, इसमें भी के साइलेंट रहेगा, दिस इज कॉल्ड नाइट। इसी की तरह एक है आपका नी, एग्जैक्टली द के साइलेंट हियर। नेक्स्ट है आपका नॉक। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर नॉलेज, द नेक्स्ट वर्ड इज हियर नीड। सेकेंड आपको बताऊंगा मैं, द सेकेंड लेटर इज योर जे डब्ल्यू। क्या बोलोगे इंग्लिश में इसको? जे डब्ल्यू, डू नॉट स्पीक डब्ल्यू। आप लोग इसको डब्ल्यू नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलना है आपको? जे डब्ल्यू। ओके फाइन, फर्स्ट वर्ड इज रिटन हियर आंसर। क्या बोलना है इसको? आप इसको आंसर नहीं बोलते हैं क्योंकि इसमें डब्ल्यू आ रहा है। ये बचपन से हमारी हैबिट पड़ी है, हम लोग बचपन से यूज कर रहे हैं। यू हैव टू यूज आंसर। क्या बोलोगे इंग्लिश में? आंसर। नेक्स्ट में आई विल टेल यू हियर द डब्ल्यू इज साइलेंट हियर, डब्ल्यू एच ओ एल ई मीन्स होल। क्या बोलोगे इंग्लिश में इसको? होल, लाइक होल लाइफ, होल नाइट। नेक्स्ट इज योर रैप। ओके, नेक्स्ट आई विल टेल यू हियर रेस्ट, डब्ल्यू इज साइलेंट हियर। नेक्स्ट इज योर टू, डब्ल्यू इज साइलेंट हियर। द कॉमन वर्ड इट्स योर राइट डाउन। गाइज पीपल से टू मेनी टाइम्स आई एम राइटिंग, आई हैव रिटन, आई विल राइट। सो डब्ल्यू इज साइलेंट हियर राइट। द नेक्स्ट वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसको हर इंसान रॉन्ग पढ़ते हैं, द वर्ड इज रिटन हियर रॉन्ग। रॉन्ग है और इसको रॉन्ग ही पढ़ा जाता है, डब्ल्यू इज साइलेंट हियर रॉन्ग। नेक्स्ट इज योर रिंकल, देन नेक्स्ट इज योर रिंग, कुछ निचोड़ना इन इंग्लिश, लाइक यू कैन से रिंग, रिंग द क्लोथ्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज योर यू, ऑफकोर्स यस गाइज, द फर्स्ट वर्ड इज योर रिटन हियर जीभ, जुबान। इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको टंग। क्या बोलना है आपको? टंग। ओके, टंग से मैं आपको रिलेटेड कुछ तीन वर्ड्स बताऊंगा, आई विल टेल यू आफ्टर फिनिशिंग दिस टॉपिक। ओके फाइन, नेक्स्ट इज रिटन योर, सम पीपल से इट्स बिस्कुट, बट इट्स ऑलवेज रॉन्ग, यू हैव टू से बिस्किट। क्या बोलना है आपको? बिस्किट। आपको आप ऐसे बोलोगे, आप क्या बोला? बिस्किट, सी आई टी, एग्जैक्टली यू साइलेंट रहेगा तो आप बोलोगे इसको बिस्किट। फिर से बोलेंगे इंग्लिश में बिस्किट। यू लाइक सपोज में यू नीड टू से लाइक मॉम आई वांट सम बिस्किट प्लीज, कुड यू प्लीज गिव मी, मुझे कुछ बिस्किट चाहिए, आप दे सकती हैं। नेक्स्ट में आप बताऊंगा यहाँ पर देखा है गार्ड, ऑफकोर्स यस, इसको आप लोग गुआर्ड नहीं करोगे, यू हैव टू से गार्ड। द नेक्स्ट वन इज योर बिल्डिंग, एग्जैक्टली बहुत सारी इमारतें होती हैं उनको आप बोल सकते हैं बिल्डिंग्स, तो एक है तो आप बोलोगे दिस बिल्डिंग, राइट। नेक्स्ट इज योर व्हेन यू फील गिल्ट, देन यू से गिल्टी, इसमें भी यू साइलेंट है। नेक्स्ट इज न्यूटन हियर, व्हेन यू वांट टू एंजॉय विद अ गिटारिस्ट, यू कैन से प्ले गिटार, गिटार को बजाते हैं और गिटार बजाना होता है प्ले, और ये लिखा है आपका गिटार, इसमें भी यू साइलेंट है। नेक्स्ट आई विल से जी यू ई एस एस, गैस। Guess guys people what I want to say here about the tongue and all, मैं क्या बोलना चाहता हूँ guess करिए। Okay fine, next here is your guest, बोलते हैं आज मेरे घर में बहुत सारे guest आ रहे हैं। Okay so fine, these are some words in this word, there are some letters जो silent रहते हैं अक्सर, you have to follow my instructions and all. Okay guys, I will bring more videos like this. हाँ, जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको कुछ बताऊंगा नया, तो वो नया ये गाइस समटाइम्स टंग से रिलेटेड कुछ वर्ड बताऊंगा मैं आपको। कभी कभार ऐसा होता है कि आप बोलना कुछ और चाहते हैं, निकल कुछ और जाता है, तो आप इंग्लिश में आप बोल सकते हैं भाई मेरी जुबान फिसल गई, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स स्लिप ऑफ माय टंग। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ में, इट्स स्लिप ऑफ माय टंग। इस तरह से अगर ये गलती बड़ी गलती होती है तो बोलते हो यार ये तो बहुत बड़ी गलती है, इट्स ब्लंडर ऑफ माय टंग। फिर से बोलो एक बार, इट्स ब्लंडर ऑफ माय टंग। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके, मैं आपको थोड़ा और बताऊंगा यहाँ पर स्लिप ऑफ टंग, लाइक सपोज दैट आप बुलाना चाहते हैं लाइक किसी अंकल को या फिर किसी आंटी को इंडिकेट करना चाहते हैं, अगर आपने बोला अंकल वो वहाँ खड़ी हैं,
तो इट्स स्लिप ऑफ योर टंग, आपको बोलना था अंकल वहां पे खड़े हुए हैं. सो दिस इज यू, इट्स स्लिप ऑफ योर टंग यू कैन से, एंड इट्स अ ब्लंडर ऑफ टंग. लाइक सपोज इट योर फादर आस्क्स टू यू प्लीज बेटा गिव मी अ वाटर, एंड आपके लाइक ऐसे जुबान फिसल जाती है और आप बोल देते हो क्यों तुम नहीं ले पा रहे हो खुद के. सो इट्स अ ब्लंडर ऑफ योर टंग. सो दिस इज जस्ट ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास, एंड टुडे इन दिस लेसन आई टॉट यू सम लेटर्स विच आर साइलेंट. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू एंजॉय माई वीडियो सो प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. ओके गाइज, एंड होप सो यू विल डू इट, एंड आई विल ब्रिंग न्यू वीडियो वेरी सून. तब तक के लिए गुड बाय.